इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, बेस्ड ऑन डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल, डी ब्रोगली के प्रिंसिपल पे एक माइक्रोस्कोप बना जो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है. तो डिजाइन टू स्टडी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट लाइक वायरस, माइक्रोब्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. इसका जो प्रिंसिपल था, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट नंबर वन कि लाइक लाइट रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव्स एज अ वेव्स बट विद मच स्मॉलर वेवलेंथ. तो इनकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम की काफी छोटी होती है. बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस्ड जस्ट एज एन ऑर्डिनरी लाइट बीम्स आर फोकस्ड बाय ग्लास लेंसेज. जैसे लाइट ग्लास लेंस से फोकस होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इसको भी फोकस करवाया जा सकता है जैसे लाइट को कराते हैं. इसके बेस पे उसने कहा कि जो वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की वो डी ब्रोगली की यूज की 12.3 बाय अंडर रूट ऑफ वी वोल्ट. तो जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है. जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही छोटी रिजॉल्विंग पावर आएगी. बस ये बताया, लेकिन कैसे किया वो सिलेबस में नहीं है. ये बताया गया मैग्नीफाइंग पावर इस माइक्रोस्कोप से 1500 आ जाती है, 1500 टाइम्स बहुत बड़ी मैग्निफिकेशन है. और इस माइक्रोस्कोप के साथ बाय सेलेक्टिंग सूटेबल वैल्यू ऑफ वी पोटेंशियल वन कैन हैव इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ 1 लाख, 1 लाख गुना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा. इतना स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप बन सकता है, दैट्स इट.